लेकिन वल्लाह बेहयाई की बात नहीं करने चला, बल्कि दिल का दर्द पेश करने चला। कोई बेहया कहे तो लाख कह दे, इसलिए कि शौक नहीं है, मजबूरी कहलवा रही है। जो कहना चाहता हूं, आज हमारे नौजवान जिस फेले पद में सबसे ज्यादा गिरफ्तार हैं, जिना से भी ज्यादा, वो है अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करना। मुझे इससे आसान और इससे बाहया अल्फाज इस गुनाह के हवाले की तशरीह के लिए नहीं मिल पा रहे हैं कि लोग अपने हाथों से, नौजवान हमाम के अंदर बैठकर, बैतुल खला में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अपने हाथों से अपनी इस्मत से खेलते हैं और वो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करते हैं। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों से खेल कर अपने ऊपर गुस्ल लाजिम करें, आका फरमाते अल्लाह की, सारे फरिश्तों की और मुझ मोहम्मद की उस पे लानत हो। हुजूर जिस पे लानत करें, जो बेबाक लड़के बेबाक छोकरे वो तो जिला के अड्डों तक जाते हैं, लेकिन नाम में हाँ जो शरीफ कहलाते हैं वो डरते हैं कि जिना से पकड़ न लिए जाए, इज्जत न चली जाए, तो वो अकेलों में, बिस्तरों पर, मकानों में, दुकानों में, तन्हाइयों में अपने हाथों से अपने सरमाए को बर्बाद करते हैं। मैं अपना दिल का दर्द अपने उन भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपके तवस्सुत से दुनिया भर में मेरे जो नौजवान इस फेले पद में गिरफ्तार है, जिस पर रसूल पाक ने लानत की, अल्लाह ने लानत की, हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम के गुलामों, जो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करें, कयामत के दिन उनको जानियों से ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। जिना करने वालों से बदतरीन अजाब उन लोगों को दिया जाएगा। और मेरे आका अली सलाम फरमाते हैं, कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हाथों पर हमल के आसार होंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लोगों के, मर्दों के हाथ हामिला होंगे। आका फरमाते हाँ, जिन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया होगा। इशारों की जबान में उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे। और याद रखना, ऐसा करने वाले उनके चेहरों पर फटकार बरसती है, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हलके पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धस जाती है, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आता है। और अगर एक महीने तक ये फेले बद कर लिया, सारी जिंदगी उसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो वो आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता, जब माँ बाप शादी का प्लान पेश करते हैं, इधर मुंह छुपा रहा है, उधर मुंह छुपा रहा है, गोया कि अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, वक्त के इख्तिसार को मलहूज रखते हुए बस इतना पैगाम आपको दे दूं, अगर आज से पहले किसी ने अपने हाथों अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करके हुजूर की लानत मोल ली है, अल्लाह उसके रसूल की लानत का वो शिकार हुआ है, अल्लाहु अकबर, तो वो आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करे। इसलिए कि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। ये तौबा ही है जिसने फ़ज़ाइल इब्ने अय्यास को औलिया का ताजदार बनाया, ये तौबा ही है जिसने बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर काबे का मुजावर बनाया और 2 लाख हदीसों का हाफिज बना दिया, ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात, ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे ना गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकत शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाए तो यही अपने लिए निजात को काफी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे आप सब